यमुनानगर हाईवे पर युवाओं को बुलाकर बेचे जा रहे स्कैम के कारोबार का पर्दाफाश हो गया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल को ये सफलता मिली है, जिसके तहत टीम ने हाईवे पर स्कैम बेचने वाले तस्कर को 17 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एंटी नार्कोटिक्स सेल के इंचार्ज प्रमोद वालिया के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक की कीमत बाजार में 1 लाख रुपए के करीब है। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि पूछताछ में नशा तस्करी के इस गिरोह का पर्दाफाश हो सके। एक युवक जिसका नाम नौशाद है, उप रईस, तो ये स्मैक का काफी दिनों से काम कर रहा है, जो जिसके उस पर हमने नाकाबंदी करवाई है अपनी टीम गठित करके, और इस युवक को काबू किया। इसका नाम पता पूछा, जिसने अपना नौशाद वासी अमीदा बताया, उस पर हमने एक मजिस्ट्रेट को बुलाकर इसकी इतला रामफल जी हैं सिंचाई विभाग से, उनको बुला के इसकी तलाशी कराई गई मजिस्ट्रेट साहब के सामने, तो इससे 17 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, तो जो हमने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब इससे पूछताछ चल रही है कि स्मैक कहाँ से लेता है, उसके साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी भी है हम उसकी भी जाँच करेंगे। अब इसने नशे से इसकी प्रॉपर्टी को तैयार किया गया, तो उसको जो भी उचित कार्रवाई हुई अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो ये पता लग गया, इसका पहले स्मैक का आदि था, स्मैक पीता था, उसके बाद ये स्मैक के साथ स्मैक बेचने का भी काम करने लग गया, और ज़्यादातर हमारे को जो मजबूरी मिली हुई थी इसकी, अभी जो डिटेल आई थी इसकी, और इसने भी हमारे को अभी बताया कि हाईवे पे काम कर रहे थे, हाईवे पे स्मैक युवकों को बुला के नवयुवकों को बुला के स्मैक। यमुनानगर हाईवे पर युवाओं को बुलाकर स्मैक बेचने वाले इस तस्कर का नाम नौशाद है, जो कि आनंद कॉलोनी पुराना हमीदा का रहने वाला है। नौशाद खुद भी स्मैक का आदि है, और इसी लत को पूरा करने के लिए नौशाद धीरे धीरे स्मैक तस्कर बन गया। फिलहाल एंटी नार्कोटिक्स के सेल ने नशे के इस पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि तमाम कोशिशों के बावजूद नशे के कारोबार पर लगाम नहीं लग पा रही। यमुनानगर से सुमित ओबराय, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।